राम राम किशन भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू ऑलराउंडर 3602 ऑलराउंडर TX। ये देख लीजिए ट्रैक्टर का कुछ लुक है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ट्रैक्टर के सारे स्पेसिफिकेशन, क्या क्या कंपनी ने इस ट्रैक्टर में अन्य ट्रैक्टरों से कुछ खास देती है, इसके लुक, इसके ओवरऑल फीचर्स, सारी चीज़ों की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए फ्रंट से हम ट्रैक्टर के स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए ट्रैक्टर का कुछ फ्रंट है। यहाँ पर आपको न्यू हॉलैंड का लोगो मिल जाता है 3D के साथ में, जो इसका लोगो आता है। यहाँ पर आपको देख लीजिए वेट मिल जाता है। यहाँ पर आप अपना जेरी कैन वेट भी लगा सकते हैं और टो हुक भी आपको कंपनी फिटेड ही मिल जाता है। ये देख लीजिए काफ़ी शानदार आपको यहाँ पर वेट मिल जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए चौकोट स्टाइल में कुछ आपको यहाँ पर फ्रंट हेडलाइट मिलती है, काफ़ी शानदार बात है। जो उसके साथ ही इसका जो फ्रंट एक्सल है, फ्रंट एक्सल की अगर हम बात करें तो आपको इस ट्रैक्टर में जो फ्रंट एक्सल है वो एडजस्टमेंट वाला फ्रंट एक्सल मिलता है। मतलब इसकी दूरी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मतलब कि जो किसान आलू की खेती करते हैं उनके लिए काफ़ी शानदार बात होने वाली है, क्योंकि आप इसका फ्रंट एक्सल जो है वो एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं, काफ़ी शानदार बात है। उसके बाद हम अगर इस ट्रैक्टर के टायर साइज़ की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट टायर साइज़ जो है वो 750/16 का फ्रंट हेवी टायर, मोटा एकदम आपको टायर मिल जाता है, काफ़ी शानदार बात होने वाली है। पावर स्टीयरिंग की बात करें तो आपको इसमें सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाती है। ये देख लीजिए सिंगल एक्टिंग आपको इसमें पावर स्टीयरिंग मिल जाती है। उसके बाद एयर फिल्टर की अगर बात करें तो आपको इसमें जो अपना ऑयल बाथ टाइप का आपको इसमें फ्री एयर क्लीनर के साथ में आने वाला एयर फिल्टर मिल जाता है, जिसकी सर्विस वगैरह जो है वो काफ़ी शानदार ही रहती है, काफ़ी शानदार तरीके से अपनी हवा इंजन तक स्वच्छ करके पहुँचाता है। यहाँ पर देख लीजिए आपको डबल यहाँ पर आपको पंप मिल जाते हैं, हाइड्रोलिक का अलग व अपनी पावर स्टीयरिंग दोनों का कंपनी ने अलग से आपको इसमें पंप दिया गया है, एक ही पंप में काम नहीं चलाया है, कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। देख लीजिए दोनों ही आपको पंप यहाँ पर मिल जाते हैं। ये देख लीजिए आपको यहाँ पर ऑयल फिल्टर मिल जाता है, काफ़ी शानदार बड़ी साइज़ का एकदम आपको इसमें ऑयल फिल्टर मिलता है। यहाँ पर आपको डीजल वाटर सेपरेटर मिल जाता है, देख लीजिए अगर डीजल में पानी वगैरह आएगा तो वाटर सेपरेटर डीजल में से पानी को अलग कर देगा, स्टोर कर देगा, यहाँ से टी से आप अपना जो पानी है उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टूल बॉक्स मिल जाता है, काफ़ी शानदार ही बात है, जो काफ़ी शानदार देख लीजिए। ये ट्रैक्टर का कुछ साइड से लुक है। यहाँ पर आपको ऑलराउंडर की बेचिंग मिल जाती है, देख लीजिए, जो कि क्रोम के साथ आती है, वहीं 3602 और यहाँ पर आपको 50 HP कैटेगरी का यह ट्रैक्टर है, तो आपको यहाँ पर 50 HP की ब्रांडिंग मिल जाती है। आइए इस ट्रैक्टर के डैशबोर्ड पर चढ़ते हैं और इसके अन्य जो फीचर हैं डैशबोर्ड वगैरह उनकी बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको चढ़ने के लिए कुछ पायदान मिल जाता है। आइए ट्रैक्टर के ऊपर चढ़कर मैं आपको इसके अदर फीचर्स जो है वो बताता हूँ, काफ़ी शानदार ही फीचर्स रहने वाले हैं। ये देख लीजिए कंपनी ने इसमें जो है इसका मीटर जो है वो चेंज कर दिया गया है। अब आपको इसमें डिजिटल देख लीजिए अपना LED के साथ LED लाइट के साथ में आना वाला आपको इसमें मिल जाता है, काफ़ी शानदार ही देख लीजिए ये कुछ स्टाइल में आपको इसका मीटर मिल जाता है। अपना RPM फ्यूल इंडिकेशन व टेम्परेचर मीटर के साथ में आता है, काफ़ी शानदार व बहुत सारे आपको इंडिकेशन मिल जाते हैं। ये देख लीजिए ट्रैक्टर का कुछ ऊपर से लुक है, काफ़ी शानदार ही लुक रहने वाला है। अपने किसान भाई जो है काफ़ी ऊंचाई पर बैठेंगे, बहुत ही शानदार आरामदायक, लंबे समय तक भी अगर किसान ट्रैक्टर को चलाएगा तो उसको कोई भी समस्या वगैरह नहीं होने वाली। उसके बाद डीजल टैंक की बात करते हैं, यहाँ पर आपको डीजल टैंक मिल जाता है, फाइबर का ही इसमें आपको डीजल टैंक मिलता है। देख लीजिए रस्टिंग वगैरह की भी, जंग लगने की कोई भी समस्या वगैरह आपको नहीं रहेगी। यहाँ पर देख लीजिए आपको इंडिकेटर का यहाँ पर स्विच मिल जाता है, काफ़ी शानदार ही स्टाइल में आपको इसका इंडिकेटर का जो कंट्रोल करने का स्विच है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको हज़ार्ड लैंप का स्विच मिल जाता है, काफ़ी शानदार देख लीजिए। यहाँ पर आपको हैंड रेस्ट मिल जाती है, इसकी हैंड रेस्ट का लीवर आपको यहाँ पर मिल जाता है। फ्रंट हेडलाइट के स्विच यहाँ पर आपको मिल जाता है, देख लीजिए काफ़ी शानदार बात। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और अपने एडिशनल अगर स्विच लगाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक और होल दिया गया है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए आपको हॉर्न का स्विच मिल जाता है, चाबी लगाने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है, देख लीजिए काफ़ी शानदार। और जस्ट उसके नीचे ही अपना इंजन स्टॉप लीवर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए 12 वोल्ट का आपको सॉकेट भी मिल जाता है, अगर मंडी वगैरह आप जा रहे हैं, अपना मोबाइल वगैरह डिस्चार्ज हो गया है तो आप अपने उसकी सहायता से अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं, काफ़ी शानदार बात होने वाली है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए आपको एक मिरर मिल जाता है, ये देख लीजिए काफ़ी बड़ी साइज़ का आपको एक मिरर मिलता है। आइए इस ट्रैक्टर की क्लच की बात कर लेते हैं अब हम, तो इस ट्रैक्टर में आपको जो काफ़ी सॉफ्ट क्लच मिलता है, वहीं यह ट्रैक्टर जो है डबल क्लच के साथ में आता है। ये देख लीजिए
पीटीओ का लीवर जो है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, गियर इंगेज डिसइंगेज के लिए वहाँ पर आपको दिया गया है। काफ़ी सॉफ्ट क्लच है, अगर किसान भाई लंबे समय तक भी ट्रैक्टर को चलाएगा तो कोई भी समस्या वगैरह परेशानी वगैरह नहीं होगी। ब्रेक की अगर बात करें तो ऑयल इमर्स्ड मल्टी डिस्क ब्रेक मिलते हैं इसमें आपको। न्यू होलैंड की जो कंट्रोलिंग होती है रोड पर चलाने में वक्त ब्रेक लगाने की, वो बहुत ही शानदार होती है और काफ़ी लंबे समय तक आपके ब्रेक चलने वाले हैं। गेयरबॉक्स की अगर बात करें हम तो आपको इसमें 12+3 UG गेयरबॉक्स मिलता है, मतलब कि ये ट्रैक्टर हाई लो मीडियम के साथ में आता है, अपना सुपर सीडर वगैरह सब चला सकता है। हाई लो मीडियम के साथ में आता है, देख लीजिए 12 फॉरवर्ड वही 3 रिवर्स आपको इसमें मिलेंगे, 1, 2, 3, 4 प्लस रिवर्स। वहीं लिफ्टिंग के कंट्रोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देख लीजिए लिफ्टिंग के कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं, ड्राफ्ट व पोजिशन लीवर यहाँ पर आपको देख लीजिए। वहीं लिफ्टोमेटिक का जो बटन है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है, आप एक बार अपने जो लीवर है वो सेट कर दीजिए, बार बार आपको लीवर छेड़ने की जरूरत नहीं है, लिफ्ट आपके बटन से ऊपर और नीचे हो जाएगी। डबल डिस्ट्रीब्यूटर का वो जो लीवर है वो भी किसान की पहुँच में ही रखा गया है, सारे जो कंट्रोल है वो किसान की जो पहुँच है उसमें ही कंपनी ने रखे गए हैं। किसान अगर चलाएगा ट्रैक्टर तो उसको नीचे वगैरह झुकने की कोई भी समस्या वगैरह नहीं होने वाली है। अब आइए हम इसके पीटीओ और इसके लिफ्टिंग कैपेसिटी व ब्रेक एक्सल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको पीटीओ का यहाँ पर लीवर मिल जाता है इसमें, ये देख लीजिए 540 व रिवर्स पीटीओ के साथ में ट्रैक्टर आता है। वहीं लिफ्ट के कुछ कंट्रोल है वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, आप अपनी सेंसिंग वगैरह लिफ्ट की स्पीड व लिफ्ट को लॉक यहाँ से कर सकते हैं, काफ़ी शानदारी बात होने वाली है। सीट की अगर बात करें तो काफ़ी आरामदायक आपको इसमें सीट मिलेगी, एडजस्टमेंट आगे पीछे ऊपर नीचे आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए आपको हाई स्पीड की ब्रांडिंग मिल जाती है, मतलब ट्रैक्टर की जो रोड पर चलने की क्षमता है वह अन्य ट्रैक्टरों से बहुत ज़्यादा है। 50 HP कैटेगरी में यह ट्रैक्टर ऐसा है कि आपको पावर भी ज़्यादा मिलेगी, साथ ही साथ आपको एवरेज भी ज़्यादा देने वाला है, मतलब ईंधन खपत भी कम होने वाली है ट्रैक्टर की। आइए ब्रेक एक्सल की हम अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो ब्रेक एक्सल है वो हब रिडक्शन वाला मिलता है इसमें, मतलब इस ट्रैक्टर की जो खिंचाई है वो अन्य ट्रैक्टरों से काफ़ी ज़्यादा ही रहती है, बहुत ही शानदार बात है। जो देख लीजिए 50 HP कैटेगरी में बहुत ही शानदार ट्रैक्टर होने वाला है ये आपके लिए। उसके साथ साथ हम अगर इसके पीटीओ पावर की अगर बात करें तो आपको 46 HP की इसमें पीटीओ पावर मिल जाती है, देख लीजिए। वहीं लिफ्टिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो आपको इसमें 2200 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है, 1700 kg उसके साथ, वहीं 5 क्विंटल जो इसमें मतलब कि 500 किलो की जो क्षमता है वो आपको इसमें जेक से सहायता से दी गई है, काफ़ी शानदार ही रहने वाली है। बहुत फ़ायदा रहता है इसका अपने ट्रॉली वगैरह या फिर कुछ भी अपने को हाइड्रोलिक्स के जो भी काम है उसके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ऑक्सिलरी वाल्व मिल जाते हैं, मतलब कि डबल डिस्ट्रीब्यूटर आपको साथ में कंपनी फिटेड ही मिलते हैं। लिफ्ट के सेंसिंग पॉइंट की अगर बात करें तो आपको 3 सेंसिंग पॉइंट लिफ्ट मिलती है, आप अपनी ज़मीन के अनुसार इसकी लिफ्ट सेंसिंग कर सकते हैं, काफ़ी शानदारी बात होने वाली है। वहीं बैक टायर साइज़ की बात करें तो बैक टायर साइज़ जो है वो आपको 1428 की बैक टायर साइज़ मिल जाती है, काफ़ी शानदारी बात होने वाली है। उसके साथ साथ अब हम बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो आपको इस ट्रैक्टर में 3030 cc का आपको इसमें इंजन मिलता है जो कि 50 HP अपनी पावर जो है वो प्रोड्यूस करता है 2500 रेटेड RPM पर, काफ़ी शानदार ही बात होने वाली है। ये देख लीजिए 3 सिलेंडर का आपको इसमें इंजन मिल जाता है, रोटरी पंप में भी आता था पर अब इनलाइन पंप में भी आने लग गया है ट्रैक्टर, काफ़ी शानदार ही। अगर किसान भाई अपने लिए 50 HP का कोई सा ट्रैक्टर देख रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी शानदार ट्रैक्टर आने वाला है न्यू होलैंड की तरफ से। इसमें आपको 3602 में आपको 2 मॉडल मिल जाते हैं। अगर आपको इसके सुपर मॉडल की अगर 3602 सुपर की अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, देख लीजिए काफ़ी शानदार। और अगर आपको उन दोनों में डिफरेंस चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, उसके डिफरेंस के ऊपर भी हम वीडियो लाकर आपके लिए सामने रख देंगे। ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार से ट्रैक्टर है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य ट्रैक्टर के साथ किसी नई वीडियो में, धन्यवाद।